नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या जो डंकी लगाकर यूरोप जाते हैं और गैर कानूनी रह रहा हो, क्या उधर की कमाई हलाल होगी? कमाई तो हलाल होगी ना, अगर वो हलाल काम कर रहा है और मेहनत की खा रहा है तो वो फी नफसी तो हलाल है। अलबत्ता इस तरीके से यूं जाना गैर कानूनी, ये अमल गलत होगा। और बाज़ औक़ात उनके अनडिक्लेयर्ड पॉलिसीज भी होते हैं, बाद में आप देखते हैं कि वो दे भी देते हैं नेशनलिटी, लेकिन ऐसा करना हराम है। अलबत्ता वहां पे जो काम कर रहा है उसके एवज मजदूरी ले रहा है तो वो ठीक है, क्योंकि जाहिर है मुल्कों की बाउंड्रीज तो आप बनी है ना। पहले तो लोग हिजरत करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे माल कमाने के लिए, कोई इतना इश्यूज नहीं होते थे। दुनिया ने सदियों के बाद ये लर्न किया है कि ये दुनिया में रहने के लिए सबसे बेहतरीन जगह सब कॉन्टिनेंट है, इसलिए तो यहाँ की आबादी इतनी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ की जमीन उगाती है, मौसम अच्छे हैं। अमेरिका तो बाद में दरियाफ्त हुआ है ना, सब कॉन्टिनेंट के बाद अगर कोई सूटेबल जगह है तो वो अमेरिकन यानी वो बड़े आजम है, जहाँ पे सारे। आप यूरोप तो रहने के काबिल नहीं, वो तो अपने टेक्नोलॉजी का खा रहे हैं, वरना वहां तो जमीन गंदम उस तरीके से नहीं उगाती है, और वहां पे आप मौसम भी देख लें किस किस्म के हैं। तो लोग पहले तो हिजरत कर जाया करते थे, जहाँ एक जगह रिस्क नहीं मिला दूसरी जगह चले गए, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम है। बाकी वहां पे कमाई हलाल ही होगी जी उसकी, अगर हलाल काम कर रहा है और मेहनत की खा रहा है वो हलाल ही होगी।